अद्भुत एक सुंदर सा गांव था। उस गांव का नाम था चंपक नगर। तालाब से काफी दूर एक मछुआरा रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका नाम था सुशील और उसकी पत्नी का नाम था रत्ना। सुशील बहुत ईमानदार था और बहुत ही मेहनती भी था और अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार भी करता था। एक दिन सुशील मछली बेचकर अपने घर पे लौट रहा था। तक दोपहर हो चुकी थी। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ चली गई तुम? ये लो पकड़ो। हाँ, क्या चिल्ला रहे हो, जैसे बड़ा काम करके आए हो। मछली पकड़ के बेचते बेचते बहुत बहुत देरी हो गई, क्या करूं? एक बात बताओ, कब तक हम इस गंदे से झोपड़े में रहेंगे? मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे नहीं रहना यहाँ। अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हें खुश रखने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, बताओ मुझे बताओ। इस गंदे से झोपड़े से बाहर निकालूं, मछली की बास आती है यहाँ, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे तुम तो जानती हो मैं कितना कमाता हूँ, उसके बाद अगर तुम बड़े घर का सपना देखोगी तो मैं कैसे पूरा करूंगा? अब इस बारे में तुम ही बता दो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इस घर से मुक्ति चाहिए, मुझे बड़े घर में जाना है। ऐसे ही उनके दिन गुजरते जाते थे, पति की गरीबी और बीवी की जिद के आगे वो लोग जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे। एक दिन सुशील मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर जाता है। अरे वाह, ये तो बड़ी मछली हाथ लगी है, कितनी भारी है। अरे बाप रे, ये कितनी सुंदर मछली है। ऐसी मछली मैंने पूरी जिंदगी कभी नहीं देखी। अरे मैं क्या, मेरे पिताजी ने भी नहीं देखी। दोस्त, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हारे हाथ कैसे लग गई, तुम यही सोच रहे हो ना? अरे अरे तुम तो बात कर सकती हो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, इसीलिए मैं दिखने में छोटी हूँ लेकिन वजन बहुत ज्यादा है और चमकीली भी हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अरे बाप रे, अब ये कैसी समस्या है? मैं एक जादुई राजकुमारी हूँ। अब मैं तुम्हें लेकर क्या करूँ बताओ तुम? मुझे छोड़ दो मेरे दोस्त, मुझे खाकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो, जाओ। धन्यवाद। अरे भाग्यवान, आज मैंने एक अजीब ही तरह की मछली पकड़ी थी, वो इंसान जैसा बात कर सकती थी। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे वो मछली एक जादुई राजकुमारी थी। हाँ बेवकूफ, तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ तो उसने विनती की तो मैं उसे छोड़ दिया, मैं और क्या कर सकता था। क्या पागल आदमी हो तुम, उसकी जिंदगी के बदले तुम कुछ भी मांग सकते थे उससे, कम से कम एक बड़ा सा मकान तो मांग लेते। देखो ज्यादा लालच मत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अभी उस तालाब में जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं कह देती हूँ। सुशील फिर से तालाब की ओर जाता है और देखता है कि वो तालाब के पानी का रंग एकदम से हरा हो गया था। जादुई राजकुमारी, मुझे आपकी सहायता चाहिए, मेरे छोटे से घर में मेरी पत्नी खुश नहीं है, वो एक बड़े घर में रहना चाहती है, कहाँ है, क्या आप सुन सकती हैं? जाओ दोस्त, तुम्हारी बीवी को जो चाहिए वो उसे मिल गया है, तुम घर चले तो, जाओ। मतलब मुझे अभी वापस घर जाना चाहिए? अरे वाह, सही में हमारा घर तो बहुत बड़ा हो गया है। अब तुम खुश हो गई हो तो? ठीक है, कुछ दिन रुक कर देखती हूँ इतना बड़ा महल कैसा लगता है। कुछ दिन बीतने के बाद इतना बड़ा राजमहल भी रत्ना को छोटा लगने लगा था और रत्ना खुश नहीं थी। ये महल भी मेरे लिए छोटा है, मुझे इससे भी बड़ा महल चाहिए और वहाँ मैं रानी की तरह रहूँगी।
आया कुछ समझ में? ठीक है, जाके देखता हूँ अगर वो राजी हुई तो। तुम घर लौट जाओ, तुम्हारी बीवी ने जो मांगा है वो उसे मिल चुका है। जाओ, तुम घर चले जाओ। सुशील ये सुनकर घर पे लौटता है और देखता है कि उसका राजमहल और भी बड़ा हो चुका होता है, और बहुत ही बड़ा। महल का दरवाजा बहुत ही बड़ा दिखने लगता है और हर तरफ नौकर चाकर नजर आते हैं और सब अपने काम में व्यस्त थे। उसके बाद सुशील देखता है कि राजमहल में बड़े सिंहासन पे मुकुट पहनकर बैठी है उसकी पत्नी रत्ना। लो, अब तुम यहाँ की रानी बन चुकी हो, खुश हो तो? हाँ, मैं रानी बन गई हूँ। रानी बनकर भी मेरा मन नहीं भरा है, समझ रहे हो? मुझे अब महारानी बनना है। देखो, इतनी लालच अच्छी बात नहीं है। तुम क्यों इतनी लालच कर रही हो? तुम जाओगे या मैं सिपाही को बुलवाकर तुम्हें धक्का मार कर भिजवाऊं? तुम ये असंभव बात बोल रही हो। वो छोटी सी मछली तुम्हें महारानी नहीं बना पाएगी। तुम मेरा दिमाग गरम मत करो, तुम मछली के पास जाओ और मुझे महारानी बनवाओ। बेचारा सुशील ऐसे ही चले जाता है, उसकी बीवी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। फिर से वो तालाब की ओर चले जाता है और वो देखता है कि तालाब के पानी का रंग तो गए बार से भी अलग हो जाता है। क्या दोस्त, इस बार तुम्हारी बीवी महारानी बनना चाहती है ना? हाँ, आप सही बोल रही हैं। वो वही बनना चाहती है और मुझ पे दबाव डाल रही है, उसकी लालच बढ़ती जा रही है। जाओ घर जाकर देखो, तुम्हारी बीवी महारानी बन गई है। तुम घर जाओ दोस्त। भाग्यवान, अब तुम खुश तो हो? नहीं, मुझे नहीं पता। ऊपर वाले, अब ये कुछ और चीज न मांग बैठे। आप संभाल लेना ऊपर वाले, आप संभाल लेना। उसके बाद रत्ना यही सोचती रही कि उसकी जिंदगी में और ज्यादा खुशी किस तरह से आएगी, ढेर सारी खुशी किस तरह से आएगी। इस तरह से बहुत ही दिन बीतते गए। एक दिन रात को सोचते सोचते रत्ना थक कर सो जाती है। फिर प्रकृति के नियम से सुबह भी हो जाती है और पंछी की आवाज से रत्ना जाग उठती है। ये क्या, सुबह हो गई? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं अच्छे से नहीं सोई हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, उठो ना, उठो। क्या हुआ है? सुनो, मैं सूरज और चांद दोनों को नियंत्रित करना चाहती हूँ। मैं सर्वशक्तिमान होना चाहती हूँ। मुझे ऊपर वाले जैसी ताकत चाहिए। मैं दुनिया की मालकिन बनना चाहती हूँ, समझ गए तुम? अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम अभी उस मछली के पास जाओ। जाओ, जाओ ना। लेकिन मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इसमें होनी का अनहोनी हो सकता तुम है। जाओगे? बीवी की डांट खाने के बाद सुशील वापस अपने तालाब के पास चले जाता है। तालाब के चारों ओर तूफान सा छाया हुआ है, पानी का रंग भी काला हो चुका है। अरे ये क्या, ये तालाब की ऐसी हालत कैसे हो गई? जादुई मछली, ओ जादुई मछली, जादुई मछली। बोलो दोस्त। मेरी पत्नी मतलब अभी भी खुश नहीं है। पर अब वो क्या चाहती है? अब वो सर्वशक्तिमान ऊपर वाला होना चाहती है। उसकी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। जाओ, तुम घर जाओ। सुशील तूफान से भागते भागते अपने राजमहल की ओर आ जाता है और राजमहल के अंदर तो कोई नहीं दिखता है। पूरा राजमहल खाली हो चुका है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, कहाँ चली गई तुम? कहाँ चली गई तुम? कहाँ चली गई? सब जगह पे ढूंढने के बाद सुशील वापस तालाब की ओर चले जाता है और देखता है कि तालाब एकदम शांत हो चुका है और पानी का रंग भी नीला हो चुका है। जादुई मछली, क्या आप बता सकती हैं कि मेरी पत्नी मैंने को क्या उसे हुआ है? सर्वशक्तिमान ऊपर वाला बना दिया है और अब वो अदृश्य होकर रहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ऊपर वाले को कोई नहीं देख सकता है। नहीं, ऐसा मत कीजिए,
मुझे वापस दे दीजिए। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने जो वरदान दिया है मैं उसे नहीं बदल सकती। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैंने आपको जीवन दान दिया है, दया करके मुझे मेरी पत्नी वापस दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी सारी जिंदगी खुश रह सके, उसके दिल में लालच बिल्कुल भी न रहे। ठीक है, तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हारी बीवी तुम्हें वापस कर दूंगी। जाओ, तुम अब घर जाओ दोस्त, तुम्हें वहाँ पर तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। धन्यवाद जादुई मछली। आप आ गए, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी खुशी के लिए आपको बहुत तकलीफ दी है, मैं लोभी हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं क्या तुम्हें माफ ना करके रह सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, बताओ। इसके बाद से सुशील रोज मछली पकड़कर अपना रोज का गुजारा करते रहता था और सुख दुख में दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ देकर गुजारा करते रहते थे। और उन लोग को ये पता चल जाता है कि धन दौलत से कभी सुख नहीं मिलता है, सच्चे प्यार से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है।